और मैं हूं आपके साथ लता। तो हालांकि पश्चिम बंगाल में आपको बताते चलें कि अब मतदान के नतीजे जो साफ तौर पर सामने आए उसमें टीएमसी की पार्टी ने हालांकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जरूर बना ली हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का जो बेहतर प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में इस बार देखा गया, क्योंकि 3 विधानसभा सीट होने के बावजूद भी किस तरीके से जो माहौल बीजेपी बनाने में कामयाब हुई, वाकई अपने आप में ऐतिहासिक था। लेकिन इसे बीच जिस तरीके से टीएमसी के सामने हार का सामना हालांकि बीजेपी को यहां पर प्रदेश में करना पड़ा है, और क्या कुछ हार की खास वजह रही, कहां पर बीजेपी चूक कर गई, क्या कुछ खामियां इस चुनाव के दौरान रहा, इसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी। तो पवन त्यागी जी से सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल में जो अब तक लगभग तस्वीर साफ थी कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसी कौन सी वो वजह थी जहां पर बीजेपी चूक कर गई, इसका खामियाजा ये रहा कि बंगाल अब बीजेपी के हाथ से निकल गया। तो सर, क्या कुछ वो खामियां, क्या कुछ वो कमियां, कहां पर बीजेपी चूक कर गई बंगाल में? देखिए, बीजेपी बेशक चुनाव हार रही है और सरकार ममता बनर्जी बना रही है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये हो गई, जो विपक्ष सारा का सारा ईवीएम पर सवाल उठाता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जहां बीजेपी जीत जाए वहां ईवीएम में गड़बड़ी है, आज सारा विपक्ष ममता बनर्जी को बधाई दे रहा है। मैं उस सारे विपक्ष को कहना चाहता हूं, क्या ईवीएम सही है? क्या मैं ये ना कहूं कि ईवीएम ममता बनर्जी ने हैक करा दी? मैं तो ये कहूंगा कि ममता बनर्जी ने ईवीएम हैक कराई है, उसका राज था वहां, सारे कम्युनिस्ट मिल गए, कांग्रेस मिल गई, मीडिया भी मिल गया और सबने मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए ईवीएम को हैक किया है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि बीजेपी ने जितनी मेहनत करी थी, जो उसका बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले में घूमा, जिन्होंने कैंपेनिंग की, सबके सर्वे ये कह रहे थे कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है और 200 प्लस आने वाले हैं। तो क्या ये दिखावे के लिए ड्रामा सब किया गया कि सारी पार्टियां यूं तो अलग अलग दिख रही थी चुनाव के टाइम, कम्युनिस्ट अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आईएसएफ अलग लड़ रही है, और आप देखिए गठबंधन बना लिया जिनकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती, वो सारे के सारे एक हो गए और कांग्रेसी तो खुश हो रहे हैं ममता बनर्जी के जीतने पे, ताज्जुब है। मतलब कम्युनिस्ट साफ हो गए पूरी तरह बंगाल के अंदर, जहां एकमात्र राज्य ऐसा बचा था पश्चिम बंगाल, जहां थोड़े बहुत कम्युनिस्ट थे, ये कम्युनिस्ट विचारधारा थी, वामपंथी विचारधारा इस देश में पूरी तरह खत्म हो रही है, और वो खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी आ गई, बीजेपी हार गई, मतलब बीजेपी के हारने की खुशी उन्हें है, आप खुद गायब हो रहे हैं इसकी खुशी नहीं है। तो कांग्रेस का भी यही हाल है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस की लीडरशिप सारी की सारी और वामपंथी, चुनाव आयोग, ये सब मिलकर के, और ममता बनर्जी का प्रशासन, सब मिल गए और उन्होंने मशीन में गड़बड़ी करी, उस मशीन की गड़बड़ी के कारण जीत गए। और अगर ये कहते हैं नहीं जी ईमानदारी से वोट पड़े हैं, हम तो ऐसा ही कहते आए हैं कि ईमानदारी से वोट पड़े हैं, चुनाव आयोग यही कहता आया है, ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। तो क्या विपक्ष ये मानता है कि ईवीएम सही है? अगर आज ईवीएम सही है, कल को कहीं दूसरी जगह चुनाव होंगे, और आपको बताऊं लोकसभा के चुनाव आएंगे, ये लोग फिर मांग करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, जहां इनको लगता है कि खुद हार रहे हैं। अभी अगले ही साल कुछ राज्यों में फिर चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, आप देखना, ये कहेंगे ईवीएम से मत करो, क्योंकि वहां योगी जी का दबदबा दिखाई दे रहा है कि अगली बार भी सरकार यही बनाएंगे। अब रही बात जो आपने सवाल पूछा कि ममता बनर्जी कैसे जीत गई, हम लोग तो कह रहे थे बीजेपी ही आ रही है 200 प्लस, तो जो फैक्टर आज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे दल जो अंदर अंदर मिल गए, मतलब अभी तक हमको नहीं लग रहा था, मैं आपको बताऊं जितनी वहां सभाएं हुई आईएसएफ की, फुरफुरे शरीफ के पीरजदा की, वहां ये दिख रहा था कि मोमडन वोट सारे के सारे ये कह रहे थे कि हम अपने ही कैंडिडेट को क्यों ना दें, ममता बनर्जी ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं। लेकिन हमारे पास जो अपुष्ट खबरें आ रही थी, जो पत्रकार मित्र हैं, ये चीजें लीक नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि मस्जिदों में बाकायदा इसके लिए बैठकें हुई, धर्मगुरु सभाएं करी उन्होंने गुप्त रूप से, और मस्जिदों के थ्रू मैसेज दिया गया कि भाई एक बात सुनो, वोट किसको देना है, आईएसएफ अपनी पार्टी है, फुरफुरे शरीफ के पीरजदा अपने हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी वो
बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के कैंडिडेटों ने राहुल गांधी बाकायदा एक सभा में आए और जब भीड़ नहीं आई तय कर दिया उन्होंने कि पश्चिम बंगाल में आना ही नहीं है, बेकार है, हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। और इसी तरह कम्युनिस्टों ने सोचा, यानी सबका लक्ष्य अपनी जीत के बजाय बीजेपी को हराना हो गया और ऊपर ऊपर उनके कैंडिडेट लड़ते रहे लेकिन अंदर अंदर मीटिंग करके और उन्होंने बैठ के तय कर दिया कि जहां बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की सिचुएशन में टीएमसी का कैंडिडेट दिख रहा है, ओवरऑल टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है और इसलिए बीजेपी को रोकना है इस राज्य में तो टीएमसी की मदद करो। ये कांग्रेसियों ने भी उनके लिए कैंपेनिंग की, ममता बनर्जी के लिए, कम्युनिस्टों ने भी की, मतलब बड़े बड़े कम्युनिस्ट अपनी पार्टी को यूं छोड़ रहे थे और कह रहे थे ममता बनर्जी को वोट देना भाई क्योंकि वही इनको रोक पाएगी। सबको डर बीजेपी के आने का था और बड़े इस चुनाव में ये तय हो गया कि तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण जो ममता बनर्जी पिछले 10 साल से कर रही थी, आखिरकार वो तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोट एकजुट होकर सबके सबने टीएमसी को दी क्योंकि ममता बनर्जी की एक घोषणा थी कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे, तुष्टीकरण करेंगे, कलमा फिर से पढ़ा जाएगा, मस्जिदों में फिर से सुविधाएं दी जाएंगी, ये लोगों को लग रहा था। दूसरी तरफ मूर्ख हिंदू, किसी को बुरा लगे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन हिंदुओं को मूर्ख बनाने में कामयाब ममता बनर्जी रही। वो जो चंडी पाठ मंच से हुआ, वो जो टूटी हुई टांग लोगों को दिखाई, उस मूर्खता में केवल हिंदू आए जो अपनी हिंदूवादी पार्टी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी के पीछे चले गए। एक ये परिवर्तन भारी हुआ, इससे बहुत भारी वोटों का स्वीप जो अब खुलकर आ रहा है, जो लग रहा था कि जय श्री राम के नारे से खुश हो रहे हैं, असली बात वो नहीं थी, वो ममता बनर्जी के इस चंडी पाठ से, उनके हिंदू गोत्र बताने से वो कहीं ना कहीं लोगों ने समझा कि ये तो हिंदू है। अब जीतने के बाद पता लगेगा लोगों को कि वो हिंदू बनकर के वहां पे राज करती है या मुस्लिम तुष्टीकरण को ही जारी रखेगी। बहरहाल लोगों के साथ धोखा हुआ है, कम से कम हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो आप समझिए 40 तक पहुंचा है, ये बहुत बड़ी जीत है और बीजेपी ने ही पाया है। टीएमसी आज भी जो पिछले चुनाव में थी 2019 के उसी के पास है, लेकिन जो आया है बीजेपी के पास वो बहुत बड़ी जीत है और वो सबका सब जो आया है वो कांग्रेसी वोटर है, वो कम्युनिस्ट वोटर है, वो फुरफुरे शरीफ के पीरजदा के आईएसएफ के पीछे जो जाते वो मुसलमान है, बीजेपी को जो वोट मिली है तो बीजेपी वहां फिर हार कर भी जीती है मेरे हिसाब से। वहां पर हार कर भी जीती क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा था बंगाल में बीजेपी का, वाकई वो तारीफ काबिल है। लेकिन क्या सर हम इसको लेकर हार की एक बड़ी वजह यह भी माने कि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी की मुख्यमंत्री के सामने, अगर हम वही बीजेपी के सीएम की बात करें तो कोई सीएम फेस बीजेपी का अब तक सामने नहीं आया था, तो हो सकता है कि बड़ी हार की वजह क्या मान सकते हैं, कोई बड़ा चेहरा ना होना। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बहुत बड़ा कारण है और ममता बनर्जी चुनाव के पहले दिन से ये कहती रही कि ये लोग बाहरी हैं, ये तो बाहर से आए हैं, चले जाएंगे, यहाँ का कौन है, तो यहाँ का कोई माने पश्चिम बंगाल का कोई बड़ा लीडर नहीं था। जो वो बाबू सुप्रिय हैं वो एक सेलिब्रिटी रहे हैं और वो सांसद और फिर केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन वो भी इतना बड़ा चेहरा नहीं बन पाए कि बीजेपी उनको ये प्रोजेक्ट करती कि ये मुख्यमंत्री के लिए हैं, तो उतनी उनके अंदर वो नहीं है कि लोग समझ रहे थे कि ये ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का मुकाबला माने गुंडागर्दी से मुकाबला करना, बमबाजी से मुकाबला करना, ये भी चीजें उसमें फैक्टर है। लोग सोचते थे ये इतनी बड़ी यहां पर इसके गुंडागर्दी है कि इसको रोकना किसी के बस की, यहां वाले जो लीडर हैं इनके बस की नहीं है। और लास्ट टाइम पे जो शुभेंदु अधिकारी आए, जिसको बीजेपी की तरफ से माना जा रहा था कि ये एक चेहरा मुख्यमंत्री का हो सकते हैं, ऐसा करके कुछ प्रोजेक्ट भी किया गया लेकिन उसको ओपन नहीं बोला गया और अल्टीमेटली वो भी है तो टीएमसी का ही, बीजेपी का मुख्य तो है नहीं, तो ना उनके अंदर आरएसएस के कुछ गुण है, ना उनके अंदर बीजेपी का जो मूल भावना है, वो टीएमसी से आया हुआ चेहरा है। तो लोग ये कह रहे थे वो असमंजस में कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जिसके कारण वाकई में वो
टीएमसी को पसंद कर गए कि चलो अपनी है ये, बाहरी का मुद्दा करके टीएमसी को वोट मिली है। वाकई वहीं अगर हम सर राहुल गांधी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस पार्टी वहां पर विपक्ष के तौर पर खड़ी हुई है, लेकिन सर क्या हालात है विपक्ष के पार्टी के? आपकी हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस कभी कही जाती थी उसका प्रदेश में इतना भी अस्तित्व नहीं कि गठबंधन के साथ ही सही कुछ सीटें निकाल पाए। बहुत ही खराब प्रदर्शन राहुल गांधी का। क्या राहुल गांधी को पहले से पता था पश्चिम बंगाल में उनके हालात ये होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ना कोई रैलियां की थी ना कोई प्रचार किया गया था पार्टी की ओर से? ये कांग्रेस जो है दिल्ली में, आप याद करिए जब केजरीवाल के सामने चुनाव हो रहा था तो बीजेपी लड़ रही थी और त्रिकोणीय मुकाबला यदि होता, जिसको चुनाव कहते हैं, ठीक से होता तो बीजेपी की सरकार बनती। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेसियों ने बाकायदा कैंपेनिंग की, घर घर जाकर ओपन नहीं की, घरों में मोहल्लों में कि भाई केजरीवाल को वोट देना, हमको बीजेपी को हराना है। यानी अंदर एक हो गए, और कोई बड़े लीडरों ने इनके यहां कोई मेहनत नहीं करी, जिससे दिल्ली प्रदेश के नेता नाराज भी हुए। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में हुआ है कि राहुल गांधी को जब यह लग गया कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, वो ऊपर से भले ही कैंडिडेट खड़े थे उनके, अंदर अंदर सब मिल गए और उन्होंने सबने मिलकर के ये वोटों को स्वीप करा दिया टीएमसी की तरफ कांग्रेसियों ने। तो ये कांग्रेसियों ने ये काम किया है। एक और बड़ा फैक्टर जो मुझे दिखता है, जिसकी वजह से आखिरी दो चरण का जो मूड है लोगों का बदला, वो है कोरोना वायरस की लहर दूसरी जो आई है। इस लहर के कारण से पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोग इफेक्टेड हुए और उनकी डेथ हो रही थी, बीमार हो रहे थे। लेकिन उसके अलावा आप देखिए, याद करिए, वहां चुनाव चल रहा है और इधर मीडिया में पूरा हाईलाइट कर दिया कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अब देखिए इतने लोग मर गए, ये देखो शमशान में भीड़ लगी है। मतलब मीडिया का यूज किया गया पैनिक फैलाने के लिए और लोगों के माइंड में ये बिठाने के लिए कि मोदी के रहते ये अरेंजमेंट नहीं हो रहे हैं, मोदी के रहते ये बीमारियां फैल रही हैं, मोदी ने रैलियां की। मतलब मोदी की रैली को लेकर के मोदी की रैली ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया। और पश्चिम बंगाल के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, उनको ये बिठा दिया कि यहां जो कोरोना फैल रहा है दूसरी लहर, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, यही बाहर के लोग यहां आकर कोरोना फैला रहे हैं। तो कोरोना की सेकंड वेव, इसकी अफवाह फैलाना जितना है नहीं, उससे ज्यादा अफवाह है। आपको याद कराऊंगा, कुछ ऐसे ट्वीट्स पकड़े गए थे जो एक ही लाइन टूल किट की तरह बोल रहे थे और उसको कई ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया था एक ही वर्ड को। इसी तरह एक ही फोटो है, किसी डेथ हो गई किसी की कोरोना से, पिताजी इतनी जल्दी क्या थी जाने की, ये वर्ड लिखकर कई सारे अकाउंट से, हिंदू भी उसी को कर रहा है, मुसलमान भी उसी को कर रहा है, वो व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है यही नहीं पता। और इस तरह का एक पूरा माहौल बनाया गया कि मोदी की बद इंतजामी की वजह से ये पूरे देश में हो रहा है, जबकि यही मीडिया ये नहीं बताता था कि यही राज्य थे जिन्होंने कोरोना को लेकर मांग करी थी कि हमें अपने फैसले खुद से लेने दीजिए। तो जब दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार मोदी है कि केजरीवाल है? अगर महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है तो उसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है या मोदी है? लेकिन मीडिया ने आधा सच दिखाया। मोदी फैक्टर क्या है? मोदी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, मोदी दवाई नहीं दे रहे हैं, मोदी तो चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसा कर दिया जैसे मोदी जी पश्चिम बंगाल में ही थे पूरे चार महीने से, और वो तो वहीं थे, बाकी चीज देख ही नहीं रहे थे। मतलब इसका दुष्प्रचार किया गया बाकायदा कोरोना को लेकर, ये भी एक फैक्टर लास्ट के तीन चरणों में रहा। वाकई तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालांकि टीएमसी की पार्टी ने जीत हासिल भले ही कर ली हो, लेकिन जो शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा सर, और जिस तरीके से माहौल बना, उससे कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी का वर्चस्व जरूर कम हुआ है। ये तो है बिल्कुल, बीजेपी के पास तो प्लस ही प्लस है। आप देखेंगे बीजेपी ने जो पाया है, 3 से अगर वो 99-98 पा रही है, ये सीटें जितनी भी अचीव की है वो उसका अचीवमेंट है। दूसरी बात ये देखिए कि उसके पास अपना कोई चेहरा नहीं था, उसके बावजूद टीएमसी के कई बड़े बड़े लीडर, शुभेंदु अधिकारी को उदाहरण ले लो, टीएमसी के लोग बीजेपी में छोड़ के आए। इसका मतलब ये है कि टीएमसी के प्रति आक्रोश था लोगों में, वहां घुटन महसूस कर रहे थे लोग, पुराने लीडरों का वहां अपमान हो रहा था। हार और जीत एक विषय है, अब हार और जीत तो आपको बता दूं, हमारे देश में कई जगह ऐसा है कि लोगों को फ्री 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 कुछ घोषणा कर दो तो लोग वोट दे देते हैं, लालची लोग हैं उस तरह के।
तो ऐसे वहां भी है कि मुस्लिम वोट जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, 30% के करीब मुसलमान है, और उन्होंने एक मुश्त होकर ये तुष्टिकरण के कारण ये समझा है कि बीजेपी आएगी तो इस तरह की तुष्टिकरण नहीं करेगी जैसी टीएमसी कर सकती है, तो एक तरह से तुष्टिकरण जीता। और ये बीजेपी फिर भी अगर 90 के ऊपर ला रही है तो ये उसका अचीवमेंट है। कम से कम एक मजबूत विपक्ष वहां रहेगा, और कम से कम ममता बनर्जी को जो पिछली बार दो चरणों में, दो टर्म में वो मनमानी करती आई है अपनी, उतना उसकी नहीं चलने देंगे। चलिए, तो ये थे मासिंग त्यागी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि तुष्टिकरण मेन वजह रहा, जिसकी वजह से हालांकि टीएमसी की पार्टी ने बंगाल में सरकार जरूर बनाई हो, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि ईवीएम में धांधलीबाजी करके टीएमसी की पार्टी ने सरकार जरूर बनाई हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का जो बेहतर प्रदर्शन बंगाल में पहली बार देखा गया, ये वाकई ऐतिहासिक था, और ये वाकई आने वाले तमाम अन्य राज्यों में बड़ी जीत की ओर भी इशारा करता है, मैं मानती हूँ। फिलहाल आपकी इन सब पर क्या राय है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। We'll be right back.